हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो मेयर देख रहे हैं, घोड़ी देख रहे हैं, ये ज़मीन पर लेट रही हैं और बिल्कुल बेचैन हैं और बहुत परेशान हैं। अब इसको हुआ क्या है फ्रेंड्स? ये कोलिक हो गए हैं, इसका लीद नहीं आ रहा और पेशाब भी नहीं आ रहा है और बहुत बेचैन हो गई है ये। तो अब इसको इलाज की बहुत ही आवश्यकता है और इलाज भी बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा जब ये सुधरेगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कोलिक का एक ही इलाज है जो 100% सफल है, वो है इंट्यूबेशन कर पैराफिन डालना। तो अब इसका जो है ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले तो हमने ये ट्यूब डाल रहे हैं। अब ट्यूब डालने का जो तरीका है वो वी शेप में इसकी गर्दन होनी चाहिए और ट्यूब जो है ट्रेकियल रीजन जो फेरिंग्स है वहाँ तक पहुँचा दे और उसके बाद जर्क दे के जैसे ही इनगल्फ करे तो उसको मुंह में चले जाएगी। अब इनगल्फ करता है तो उसके बाद जो साइड में हमको जो ट्यूब है अगर इसोफेगस में जा रहे हैं बिल्कुल तो हमको साइड में दिखती हुई जाएगी। बाहर से देखने पर पता चल जाएगा कि यहाँ से मूवमेंट हो रहा है इसका, और जब ट्रेकिया में होती है तो बिल्कुल नहीं दिखेगी और बिना रेजिस्टेंस से अंदर चले जाती है ये। तो समझ लो कि ये ट्रेकिया में है और कफिंग भी होती है उसमें। अब जैसे इसमें है एसोफेगस में तो कफिंग वगैरह नहीं होती है तो कन्फर्मेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये ट्यूब अब मेरे द्वारा लगभग पूरी डाल चुका हूँ मैं, और इसका अब जो टेस्ट होते हैं वाटर टेस्ट करते हैं हम, पानी में डाल के देखते हैं कि उसमें एयर तो नहीं आ रही है, कि लंग्स में है या स्टोमक में है। तो उसके लिए हम वाटर टेस्ट करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई एयर नहीं आ रहे हैं, वाटर टेस्ट बिल्कुल रिजल्ट अपना सही बताता है, एयर नहीं आ रहे हैं। अब जो नेस्ट है वो हमारे द्वारा एयर खींच सकिंग की जाती है। सकिंग करने पर अगर एयर नहीं आती तो ये कंफर्म है कि ये कहाँ पर है, स्टोमक में है। अब इसके बाद लिक्विड पैराफिन हमारे द्वारा इसको इंट्यूबेशन की जा रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स हमारे पास लिक्विड पैराफिन भी इस समय नहीं था, केवल 2 बाटल थी। तो हमने डिसाइड किया कि केवल 2 बाटल है तो उतना ही डाला जाए ताकि उसको तुरंत रिलीफ मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे तो हमारे द्वारा लगभग 3 लीटर डाले जाती हैं और हॉर्स अच्छा हो जाता है, लेकिन ये 2 लीटर डालने के बाद अच्छा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब पैराफिन डालने के बाद एक और फ्रेंड्स इसमें दिखने में ये आया है कि इसको लीज जो हुई बिल्कुल डायरिया जैसी हुई है। तो वो जो कोलिक था वो अंदर इंटेस्टाइन मूवमेंट बहुत बढ़ गए थे इसके कारण था। तो उसके बाद ये बिल्कुल अच्छी हो गई, एंटीबायोटिक दिया हमने 2 दिन और इसको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा और अब वर्तमान में ये बहुत अच्छी हो गई है और इसका कोई वो साइड इफेक्ट नहीं आता फ्रेंड्स। तो अब देख रहे हैं, और जो लिक्विड पैराफिन है वो थोड़ा सा ठीक रहता है, गाढ़ा रहता है, तो जब हम डालते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स इसको आराम से डालना रहता है। और दूसरी बात ये रहती कि इसमें जो है एयर नहीं आना चाहिए, एयर घुस जाती तो थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टोमक में, तो एयर नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूस डालते हैं। तो ये डाले जा रहे हैं और ख़ास बात यह कि थोड़ा सा है जो डालने वाला है वो थोड़ा सा हाइट पे होना चाहिए ताकि वो जल्दी से हमारा पैराफिन स्टोमक में चले जाता है। इस समय घोड़ा बिल्कुल आराम से खड़ा है क्योंकि अगर जो कार्य हम करते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं होती, प्रॉपर होती, तो हॉर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इम्प्रॉपर ट्यूब है, थोड़ा फ्रैक्शन ज़्यादा है, हम कुछ रूल फॉलो नहीं करते हैं, एसेप्टिक रखना पड़ता है, अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर होती है तो हॉर्स भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करता है। तो ये लगभग कंप्लीट होने वाली है। ये डालने के पश्चात हमारे द्वारा इसको फ्लूड थेरेपी भी दी जाएगी ताकि ये डिहाइड्रेशन नहीं हो। तो फ्लूड थेरेपी में लगभग इस साइज के हॉर्स को 9 लीटर फ्लूड चढ़ाया जाएगा, और फ्लूड में बैलेंस फ्लूड चढ़ाया जाता है, DNS, RL, NS। अब इसमें थोड़ा सा इशू यूरिन का भी है तो हम लोग RL को कम प्रेफर करेंगे, उसमें NS और DNS हम लगाएंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है और मिलता भी है उसमें। ये कंप्लीट हो गया है, पैराफिन चले गए हैं अंदर। अब 1 लीटर पैराफिन देने में बहुत टाइम लग गया, इसमें बहुत गाढ़ा था ये। अब ये पैराफिन देने के बाद में अब ट्यूब को बिल्कुल नीचे करेंगे,
ट्यूब को बिल्कुल नीचे करेंगे, ट्यूब को नीचे करके फिर हमारे द्वारा इसको वापस निकाल ली जाएगी। ट्यूब नीचे हो गए हैं, इसमें देख रहे हैं कि कन्फर्म इसमें कुछ रह तो नहीं गया है। अभी बिल्कुल धीरे से आराम से निकालना रहता, बहुत ही धीरे से, ताकि कोई समस्या नहीं आए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा।